Interessant. अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो टाइम हो चुका है 10 मिनट, अभी 12 मिनट रहते हैं 6 होने में। तो आधा घंटा लेट ही हूँ, घंटा एक लेट ही हूँ। नॉर्मली 5 बजे निकल जाता हूँ, लेकिन अभी रमज़ान की वजह से नमाज पढ़ते हुए इतनी देर हो जाती है। तो अभी घर से निकल चुके हैं और 6 हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा काम अच्छा ही रहेगा आज का दिन। तो देखते हैं कि आज कैसा काम रहता है। तो शहजाद पे आ गए हुए हैं, शहजाद रोड पे। तो इधर पास ही है घर, शहजाद रोड के ऊपर ही है। तो टाइम अभी वो ही 5:51 हुए हैं, 3 मिनट हुए हैं अभी निकलने हुए। तो हमारा जो है ना वो In 600 meters, keep left toward E11 using the upcoming left 2 lanes. तो हदीका स्ट्रीट पे हैं, तो ये साथ सफा पार्क। तो आगे से हम जाना है वसल रोड पे। तो इस टाइम है हम हदीका स्ट्रीट पे। तो रोड की स्पीड है 60, तो 80 पे जा सकते हैं। तो मैं हूँ 75 पे 76, तो नॉर्मल है ये। तो थोड़ी सी गाड़ियाँ भी आज नज़र रही है, बस आ रही है। इस तरह अभी सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा नहीं, नॉर्मली काफ़ी होती है। रमज़ान के से बाद इस टाइम ट्रैफिक होती है इन रोड्स पे। तो ये हम आगे भी अलवसल रोड पे। तो हमारा तो आज 9वां रोज़ा है और पाकिस्तान में 8वां रोज़ा है आज। तो कैसे रोज़े गुजर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, इधर तो नहीं पता चलता। हर टाइम गाड़ी में एसी में बैठे रहना होता है, इतना फील नहीं होता। तो पाकिस्तान में तो गर्मी है, तो हो सकता है उधर थोड़ा बहुत फील होता हो। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। पहले की तरह आज भी अभी उम्मे स्कीम 2 में विलास की में से चक्कर लगाते हुए, अगर हो सकता है इधर से कोई मैसेज आ जाए, अगर नहीं आता तो आहिस्ता आहिस्ता JLT की तरफ चलते हैं, मरीना की तरफ। तो उधर जाके तो आएगा इंशाल्लाह। तो अभी नॉर्मल रूटीन की तरह भी पहले इधर एक चक्कर लगा के फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर की तरफ निकल चलते हैं। लेकिन कोई मैसेज नहीं आया अभी, इधर से फिर वसल रोड पकड़ कर चलते हैं JLD की तरफ। ये सामने यूनियन हाइपरमार्केट। तो ये आगे फिर हम वसल रोड पे। तो आगे आ गया हमारे थानिया स्ट्रीट वाला सिग्नल। ये तो अभी रेड है, इस पे तो अभी वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार। लें जी ग्रीन हो गया, नहीं करना पड़ा, सिग्नल को पता चल गया था कि हम आ रहे हैं, तो ग्रीन हो गया माशाल्लाह। तो ये सामने है इधर स्कूल की बसें, इस तरह की होती हैं ये, जैसे सामने नज़र आ रही है टोटली इधर स्कूल की इस तरह की बसें हैं। तो ये अलवसल रोड से हम इधर से राइट, फ्री राइड लेंगे उम्मे स्कीम की तरफ, उम्मे स्कीम रोड की तरफ। तो इस रोड की जो स्पीड है वो 90 है, तो इस रोड पे 110 पे जा सकते हैं। तो आगे की तरह वो सामने कॉर्नर पे रुजाल अरब के लिए फ्री राइड, और सूर मदीना जमेरा के लिए सीधा आगे, और मरीना और JLT के लिए लेफ्ट इधर से। तो सिग्नल हमारा ये भी बंद है, रेड है, और ये सामने बुरुजल अरब है, और सामने सूक मदीना जमेरा है। ये है हमारा बुरुजल अरब, और सिग्नल जो है वो हमारा भी फ़िलहाल रेड है, तो ग्रीन हो ही जाना है।
लें जी, सिग्नल हो गया है हमारा ग्रीन, तो चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी तक स्टिल कोई मैसेज नहीं रास्ते में आया। अक्सर आ जाता है लेकिन पता नहीं पिछले लास्ट वीक सारे में नहीं आ रहा, तो कुछ रमज़ान की वजह से अब कितने लोग एयरपोर्ट भी सुबह के टाइम नहीं जा रहे, जिसकी वजह से लेट ही काम शुरू होता है। ऑफिस का जब टाइम हो जाता है तब भी काम लगना शुरू होता है, तो वो सिग्नल ये भी ग्रीन है तो निकलते हैं। अब आ गए हैं सफ़र रोड पे, इस रोड की स्पीड जो है वो 60 है, तो 80 तक जा सकते हैं, तो 80 से ऊपर नहीं जाना, 600 दिरहम का फाइन आ जाएगा। और इस रोड पे दो कैमरे लगे हुए हैं, एक तो ये जो गुजर गया लेफ्ट पे था, तो एक आगे फिर आएगा लेफ्ट पे, ये सामने फिर आ रहा है, ये स्पीड कैमरा लगा हुआ है ये वाला, ये आपको नज़र आ गया होगा। तो अगर आप जाते हो 81 पे चले 82 पे, तो ये आपकी एक पिक्चर ले लेगा और वो 600 दिरहम की होगी। तो क्रीम पे बुकिंग आ गई, आज पहली क्रीम ने बुकिंग दे दी है, तो 6:34 हो गए हैं, तो देखते हैं फिर ये किधर जाती है। इसको इस पे शो हो रहा है, इसने सेंट्रल पार्क DIFC जाना, सेंट्रल पार्क टावर में, तो DIFC इसने जाना है। चलें इसको ड्रॉप करके फिर देखते हैं DIFC का, सुबह सुबह की ट्रिप मिल गया इधर से JLT से। अभी ये सामने इस टावर में ड्रॉप किया सेंट्रल पार्क में, क्रीम के कस्टमर था, तो 54 दिरहम उसके आ गए हैं। तो अभी इधर डाउन टाउन में चक्कर लगाते हैं, अभी तो DIFC में हूँ, तो DIFC डाउन टाउन से होता हुआ दोबारा JLT की तरफ चलते हैं, उस टाइम उधर से अच्छा चांस होता है मैसेज मिलने का। बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट, पहले तो स्टार्टिंग तो अच्छी हो गई है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये सामने बुर्ज खलीफा और साथ ही नीचे दुबई मॉल, और ये ऊपर बुर्ज खलीफा साथ ही है, जैसे ही दुबई मॉल की बिल्डिंग है उसके साथ ही बुर्ज खलीफा, और ये बुलेवार्ड एड्रेस बुलेवार्ड। तो अभी ये डाउन टाउन से चक्कर लगाते हुए निकलते हैं, अगर इधर से मिल गया कोई मैसेज तो ठीक, वेल एंड गुड, अगर ना मिला तो फिर भी ठीक, फिर JLT और जुमेरा पार्क तो है ही ना। ये MR स्क्वायर की बिल्डिंग 1, 2, 3 इसी बिल्डिंग के अंदर है, और ये स्काई व्यू एड्रेस सामने, ये जो बिल्डिंग है ये एड्रेस स्काई व्यू की है। इधर बिगनर्स डाउन टाउन से तो नहीं लगा, लेकिन बिगनर्स वे JW मैरियट लोकेशन तो उसकी गलत शो कर रहा है, लेकिन मैंने कॉल किया है तो वो कह रहा है JW मैरियट पे हूँ, तो 7:05 हो गए हैं, और ऊबर पे जो है ना वो मैसेज आ चुका है, पहला करीम पे था जो JLD से DIFC लेके आया हूँ, तो अब इधर से JW मैरियट से, तो देखते हैं किधर जाता है, मुझे लग रहा है कि ये एयरपोर्ट होगा, मैंने भी गैस किया। क्रीम का पता चल जाता है अराइव, जब अराइव करते हैं प्रेस करते हैं तो, लेकिन इसका नहीं पता चलता। लें जी ऊबर पे भी एक जो हो गया ड्रॉप कर दिया, तो ये टैक्सियाँ खड़ी हैं अमेरिकन हॉस्पिटल में, तो इसे ड्रॉप किया उदल मेहता अमेरिकन हॉस्पिटल में, तो जो गैस किया था अभी टाइम तो एयरपोर्ट का था लेकिन नहीं एयरपोर्ट लग सका, तो बाकी कोई नहीं देखते हैं फिर। अब निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ डाउन टाउन DIFC, हो सकता है कोई अच्छा ट्रिप मिल जाए, तो कोई नहीं सुबह के टाइम इतना भी अच्छा ही होता है, सुबह के टाइम एक दफ़ा मैसेज लगना ज़रूरी होता है, जब एक दफ़ा मैसेज लगने स्टार्ट हो जाए तो फिर कोई नहीं मसला इतना होता।
लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। अभी हमने ये तीसरा कस्टमर ड्रॉप कर दिया ऊपर पे, तो अभी दूसरा, ये सामने मेट्रो स्टेशन है। तो 52 दिरहम ऊबर पे हो गए और एक सुबह करीम पे भी ड्रॉप किया था, तो 110 के करीब हो गए और 8:18 हो गए हैं, तो अभी ठीक ही है। तो अभी मैं बर्शिया हार्ट्स में हूँ, तो बर्शिया हार्ट्स में ही ड्रॉप किया है। तो इधर से चक्कर लगाते हुए दोबारा JLT की तरफ जाते हैं, तो इधर से आ गया तो फिर भी गुड, अगर इधर से ना आया तो उधर से तो आ ही गई इंशाल्लाह। तो चलते हैं फिर। देखें जी, अगर आप कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं और सही सर्विस देते हैं तो आपको टिप भी मिलती है। तो अभी मैंने ड्रॉप किया तो 28 दिरहम थे पहले, तो ये देखें जी, उस कस्टमर ने ट्रिप जो है ना वो ऐड कर दिया अपने यहाँ मैसेज आ गया। तो ये नया मैसेज आ गया, अब इसको पिक करने जाते हैं। तो 2 मिनट के दूर पे जो अभी नया मैसेज आया, तो अभी उसे पिक करते हैं, तो देखते हैं कि वो किधर जाते हैं। इसी तरह अगर आप दरमियान में भी रास्ते में भी हों तो आपको बुकिंग आ जाती है। तो ये आया है मीडिया सिटी से और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में गलत हो गया था, तो जो 2 मिनट का सफ़र था वो 8 मिनट पे चला गया था। अभी फिर सिग्नल पे खड़ा हूँ और देखो अभी उसने कैंसिल नहीं किया, अगर कैंसिल कर दिया तो सुबह सुबह ही नुकसान हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ये क्या करता है, अभी जाए कैंसिल तो नहीं कर देगा, क्योंकि मुझे तो अभी भी 2 से 3 मिनट इधर हो सकता है सिग्नल पे ही लग जाए। लें जी, इसको भी ड्रॉप कर दिया, इतना तो नहीं लेकिन उसने मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए थे, क्या कर रहे हो और तुम इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हो। मैंने बोला 1 मिनट, क्या था तुमने ऑलरेडी इतना लेट कर दिया है, तो पहले इतना टाइम ले चुके हो और क्या कर कितना टाइम लोगे। तो गया हूँ, फिर कहता नहीं मेरे पास टाइम है इतनी जल्दी, कोई नहीं आराम से ही नॉर्मल ही जाओ। तो लेकिन वो कह रहा था, तो मैंने उसे बोला कि मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा था तो मेरे से मिस हो गया। कह रहा है नहीं, तुमने एक्सेप्ट करने के बाद तो 3 मिनट बाद एग्जिट को ना मिस किया है, तो इसे हमें स्कीम 2 में उतारे। तो अभी हमें स्कीम 2 से चक्कर लगाते हुए चलते हैं वापस JLT की तरफ, तो देखते हैं फिर। लेकिन ठीक ही था, बंदा ठीक था, गुस्सा नहीं किया, नहीं तो काफ़ी होते हैं वो गुस्सा कर जाते हैं, तुमने मुझे लेट कर दिया, मेरी मीटिंग थी, ये बहुत बातें करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं इसने बोला, अब रेटिंग पता नहीं ठीक देगा या नहीं। तो ऊबर पे भी 3 मैसेज और 1 करीम पे। तो अभी टाइम हुआ है 8:46 और 4 मैसेज हो चुके हैं। तो अभी कस्टमर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 में ड्रॉप किया शहजाद रोड पे। तो अभी बड़ा एक मसला ख़राब बंद हो गया था, मैंने करीम का कस्टमर करीम पे बुकिंग आई है तो मैंने वो एक्सेप्ट की है, साथ ही ऊबर पे आ गया, ऊबर पे भी एक्सेप्ट हो गई है, और दोनों जो बंदों ने बुक की है वो दोनों मेरे सामने खड़े हैं। तो एक आके मेरी गाड़ी में बैठ गया, नंबर जिसने सबसे पहले देखा है वो मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। तो मैंने उससे ना करीम वाले कस्टमर का नाम पूछा, तुम्हारा ये नाम है, कहते हैं नहीं नहीं मेरा तो ये वाला है। मैंने वो करीम को नीचे किया और ऊबर पे वो उसका ट्रिप स्टार्ट कर लिया। तो उसे लेके आया हूँ, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया तो वो करीम वाला भी मेरी तरफ भागा है। तो इतनी देर में गाड़ी तो मैंने चला ली, तो फिर मैंने ये किया कि करीम को ऑन इंस्टॉल करके फ़ोन अपना बंद कर दिया। लेकिन अभी आके ट्रेड सेंटर पे 2 पे देखा तो उसने मुझे 3 कॉलें की हुई हैं, और उसने अब जो है ना बुकिंग तो कैंसिल कर दी है। अगर उसने करीम को कंप्लेन कर दी तो हो सकता है मेरी आईडी भी बंद कर दें, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन हो गया है, हो ऐसे किया है कि मुझे, मैंने तो करीम की बुकिंग एक्सेप्ट की है, उसके साथ ही ऊपर दोनों इकट्ठी बोल पड़ी हैं, तो वो दोनों एक्सेप्ट हो गई हैं।
बाकी फिर अब देखते हैं कि क्या बनता है। अभी दोबारा जा रहा हूँ फिर ऊपर की तरफ ही, JLD की तरफ, तो देखते हैं JLD, जुमेरा पार्क, जुमेरा आइसलैंड, स्प्रिंग, सब में चक्कर लगाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट बुकिंग किधर की निकलती है। ये जो सामने टावर नज़र आ रहा है, ये एड्रेस दुबई मॉल का है। इसके बाद आगे दुबई मॉल की मेन एंट्रेंस, जहाँ पे हम लेमोजीन वालों को और टैक्सी वालों को इजाज़त नहीं है ड्रॉप ऑफ करने की, ये दुबई मॉल की मेन एंट्रेंस है जिसके सामने से मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन इधर पे हम ड्रॉप नहीं कर सकते कस्टमर का, ना ही पिकअप कर सकते हैं। तो बाकी देखते हैं अब जाके, आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं इधर से। तो अभी हमने उतार दिया है अलकूज में जिम कस्टमर को, और उसके आए हैं 36 प्लस 4 दिरहम का सालिक, तो टोटल हो गए 40 दिरहम। तो अभी तक ऊबर पे 5 ट्रिप और 195 दिरहम हुए हैं, और टाइम अभी क्या हुआ है 11:15, 11:15 हो गए हैं, तो 6 बजे तक टाइम है। तो मेरे ख्याल से अभी तक 270 दिरहम का ऊबर और करीम का मिक्स करके दोनों का टोटल करें तो 270 बन ही जाएगा, इससे ऊपर ही होगा। तो अच्छा है अगर 500 प्लस हो जाए तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर ना भी हुए तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, JLD से बुकिंग आ गई है करीम पे, लेकिन जाना किधर है, मरीना पास की ट्रिप है, और टाइम हो गया 12। अभी ये सामने कस्टमर को ड्रॉप किया, तो ये मॉल ऑफ द एमिरेट्स, अब इधर से मैं करूँगा ट्रिप एंड। और इसको मार्क्स इसने पहना हुआ था, 5 स्टार ही दूंगा, ठीक हो गया। तो अभी अब निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वापस की तरफ। ये मॉल ऑफ एमरस ड्रॉप किए, तो अभी ये मॉल ऑफ, ये 30.90 प्लस 4 दिरहम सालक आया है, और टोटल 226 हो गया विदाउट सालक, ये बता रहे हैं। अभी इन पैसों में सालक को भी ऐड करना होता है। तो अभी अब मॉल ऑफ एमरस की लॉबी से निकल कर पार्किंग में, तो करीम पे अभी एक और ड्रॉप किया दुबई मॉल, तो अभी ये दुबई मॉल से निकल रहा हूँ। ये सामने फैशन एवेन्यू पे ड्रॉप किया दुबई मॉल, ये फैशन इधर ड्रॉप किया करीम पे। तो अभी चक्कर लगाते हैं आहिस्ता आहिस्ता इधर डाउन टाउन का, तो उसके बाद फिर नहीं लगता तो फिर निकल चलते हैं JLT की तरफ, जुमेरा पार्क, जुमेरा आइसलैंड, मरीना, इंटरनेट सिटी, मीडिया सिटी। अभी इधर भी है सिग्नल रेड, वेट करना ही पड़ेगा। ये है हमारा सिग्नल भी रेड। तो अभी एक और कस्टमर को ड्रॉप किया इधर ट्रेड सेंटर 2 में समा टावर में करीम का। आज करीम बड़े दिनों बाद मैसेज दे रही है, पहले दुबई मॉल भी करीम का ही था, और अभी जो है ना फिर करीम ने ये ट्रेड सेंटर का, दोनों अच्छे मैसेज दिए हैं। सुबह एक DIF से भी करीम पे था पहला मैसेज, उसके बाद करीम ने एक और भी मैसेज दिया था मरीना का। 4 मैसेज आज करीम पे हो गए अभी तक, और 6 मैसेज जो है ना वो अभी तक ऊबर पे हुए हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इधर डाउन टाउन से ये चक्कर लगाते हुए चलते हैं वापस, लेट्स सी इधर से लगता है या नहीं लगता, नहीं तो फिर एक दफ़ा जाते हैं। और टाइम हो गया अभी 3:30, तो चेक करते हैं क्या बनता है अभी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक ही है, ठीक ही रहा है। अभी 440 के लगभग जो है ना अभी तक हो गए हैं, तो अभी तो इंशाल्लाह 500 हो ही जाएगा, इतना मसला नहीं है। तो अभी इधर हम लेते हैं डाउन टाउन वाला एग्ज़िट, तो
से सेंटर होंगे डाउन टाउन में, तो डाउन टाउन से चक्कर लगाते हुए सीधा निकल जाएंगे। ऊपर की तरफ JLT की तरफ मरीना, जुमेरा पार्क, उधर इधर सिर्फ डाउन टाउन में भी इतनी गाड़ी होती है मैसेज नहीं लगता, बंदा ऊपर निकल जाए कई इलाके, ग्रीन्स, टीकाम, बर्शा हाइट्स, इंटरनेट सिटी, मीडिया सिटी, ऊपर काम लग ही जाता है कहीं ना कहीं से। लेकिन जो ये है इधर गाड़ियाँ भी बहुत होती हैं और जगह जो है ना कम ही है, एरिया उतना नहीं है जितना ऊपर जाके आप चांस होता है। तो इधर लग रहा है कि दूसरी तरफ खड़ी है, तो अभी हम ये एग्जिट ले रहे हैं डाउन टाउन वाला। तो अभी तक ये हुआ है और टाइम हो गया है 5:17 और अभी घंटा डेढ़ हो गया है, मैसेज नहीं आ रहा, तो देखिए साथ ही आ गया। अब इसको पिक करते हैं। मैंने तो बोला व्लॉग बोलते हैं एंड, क्योंकि 6:15 घर भी पहुंचना होता है, 6:40 पर अफ्तार हो जाता है, तो चलें एंड करते हैं। लेकिन मैसेज आ गया, चलें इसे पिक करते हैं। लें जी, इसको भी ड्रॉप कर दिया इधर JVC में। तो आज ऊबर पे टोटल ये काम हुआ है और क्रीम के मिला के तो 515 दिरहम हो गए हैं। तो अभी मेरा दिल आइडिया करते हैं बंद और 5:41 हो गए हैं और 6:10 तक घर पहुंच ही जाएंगे। तो चलते हैं घर अभी। ये JVC तो आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। कल तक अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म, बाय।